सो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा व्लॉग, जो कि वट सावित्री पूजा के एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। ये संडे के मॉर्निंग का, जी हाँ, जिस दिन मैं पोहा बना रही हूँ, और मंडे को था वट सावित्री पूजा। और सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। संडे के सुबह का टाइम है, और फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधे इवनिंग को। देखिए यहाँ पे मेहंदी लगा रही है, तो आप देख सकते हैं। और पता है क्या हुआ मेरे साथ, मेहंदी लग रही थी मुझे। कहते हैं ना, मेहंदी थोड़ी ठंडक देता है ना, मेहंदी थोड़ा ठंडा भी होता है। इतना छींक होने लगा, सर्दी सर्दी जैसा, मैंने दोनों हाथों में तो लगा ली, मेरी तो हालत ख़राब। फिर मैंने तवे पे, गैस पे तवे रख के फिर मैंने हाथ को गर्म किया, फिर जाके मुझे रिलैक्स हुआ। तो फिर ये देखो मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, सच में बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं करूँगी डिनर, तो आप लोग खुद देख लीजिए। तो मेरे पे हाथ में मेहंदी, मैं अभी खाना खा रही हूँ। सो मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरी रिलेटिव है वो आके मेहंदी लगा दी थी। काफ़ी खूबसूरत मेहंदी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। क्या हुआ? मैंने हटाया, आपने लगाया ना, आपने भी लगाया, दिखाओ कैमरा में, दिखाओ। देखो पूरा हटा लिया हूँ। देखो मेरा बाबू ने ले लगाया, पूरा हटा लिया मैंने, मम्मी ने पूरा नहीं हटा चुका है। देख लीजिए गाइस, देखिए मम्मी का अभी पूरा नहीं हट चुका है। नहीं मेरा भी हट गया था, इससे पूरा के नहीं हटा है। पानी ऐसे ही पूरा पानी डिंगा तब बढ़ जाएगा। सो गाइज मेरा पूजा हो गया है। और ब्लॉग कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जिस मेरा पूजा हो गया है, और जिस मैं ऊपर से पूजा करके आई हूँ, अभी छत से आई हूँ नीचे, और मुझे लग रही थोड़ी सी प्यास, तो मेरा आज फास्ट आएगा, तो मैं आज फ्रूट्स खाऊँगी और जूस वगैरह खाऊँगी, और फ्रूट एंड जूस पे ही मैं आज रहूँगी, और शाम को फिर कुछ मीठा खाऊँगी। तो मेरा पूजा समाप्त हो चुका है। मैंने ब्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ में अपना मेकअप भी शेयर नहीं किया। मैंने मेकअप एक्चुअली मैंने नहीं किया था, एक लाइट सा जो रेगुलर क्रीम है मैंने वो अप्लाई किया था, काजल लिपस्टिक बिंदी, मीन्स लाइक बोलते हैं ना सोलर सिंगर काइंड ऑफ, मैंने उतना ही मेकअप किया था जो रेगुलर में जो 16 सिंगार आ जाए, बस उतने। मैंने फाउंडेशन में कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, टाइम ही नहीं था इतना अप्लाई करने के लिए, तो बस काजल बिंदी सिंदूर मीन्स लाइक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कलर वगैरह, पैरों में नेल पॉलिश, ये सभी मैंने मीन्स लाइक अप्लाई किया था। तो मेरा पूजा हो चुका है, मैंने आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत हड़बड़ी, क्या बोलते ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गया था। देखो मेरी मेहंदी, लोग को नहीं दिखाया ना, मेरी मेहंदी। सो आप लोग बताना कि मेरी मेहंदी कैसी है। तो मैंने आप लोग मेहंदी भी दिखा दिया, तो कल रात में ही मेहंदी लगाई थी, जो कि मैं आप लोग के साथ में वो शेयर भी कर दूंगी। सो गाइस अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अभी जूस वगैरह, आई मीन कुछ ड्रिंक वगैरह लूँगी, देन उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, देन उसके लंच वगैरह बनाऊँगी। तो शायद आज मैं आप लोग के साथ शेयर ना कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड हो चुकी थी। और आज है वट सावित्री पूजा, एंड वंस अगेन हैप्पी वट सावित्री पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो मैं कोशिश करूँगी ये व्लॉग मैं आप लोग के साथ आज ही शेयर कर दूँ। तो ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। ओके,
सो गाइज यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बताना मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मैंने कोशिश किया है जितना कि मैं शेयर कर सकूँ, जितना मैंने रिकॉर्ड किया है मैंने आप लोग के साथ सभी शेयर किया है। आई होप कि आप लोग पसंद करोगे, पसंद करोगे तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट्स